नमस्कार और आप देखें पल पल। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय मल्टीपर्पज हॉल में आज योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग में और योग को गांव-गांव तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने आम जन से योग को अपने जीवन में हिस्सा बनाने के लिए आह्वान भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला में पीटीआई डीपी तथा अन्य अध्यापकों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस योग ट्रेनिंग शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 21 दिनों तक चलेगा और 3 चरणों में योग प्रशिक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 दिनों में करीबन 100 पीटीआई व डीपी को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये फिर सभी स्कूलों में जाकर के बच्चों को योग प्रशिक्षण देंगे। सिरसा के सभी सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था की जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। पूरी एक बात विचार आ रही है कि योग दिवस को देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के द्वारा उनकी रिपोर्ट बन चुका है, उसके कारण से विश्व विस्तार एक ऐसा अवसर बना 21 जून को, जिसको यूएनओ मान्यता दी, 170 देशों ने एक साथ उनके पक्ष में उसके प्रस्ताव पारित किया और आज मध्य 170 बल्कि 200 देशों में योग लोकप्रिय हो चुका है। मन में ऐसा इच्छा आ रही है कि हम दोनों वर्ष में एक बार चाहे किसी विभाग के रूप को न करें, योग प्रशिक्षण दिवस इस नाम से भी करें, ताकि योग दिवस में तो आम जनता का यानी एक प्रदर्शन होता है, लेकिन जिस योग को समाज में लोगों ने पहुंचाना है उन शिक्षकों के लिए अपनी भूमिका है, एकता की निरंतर प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम कराया जाना चाहिए। योग सामान्य कोई प्राणायाम और आसन यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम अष्ट योग की बात करें तो 8 प्रकार के योग होते हैं जो मनुष्य जीवन को हर प्रकार से और सिद्ध बनाते हैं, तैयार करते हैं उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। हरियाणा योग परिषद और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना की तरफ से, परियोजना परिषद की तरफ से हमारे तमाम स्कूलों में जितने भी डीपी पीटीआई या जो जिसमें डीपी पीटीआई नहीं उनमें और जो भी शिक्षक हैं सबको योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज की तारीख पे माननीय हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रोग्राम की शुभारम्भ किया है और ये 21 दिन तक चलेगा। 3 फेजेज में प्रोग्राम है। अनुमानन 100 के आसपास डीपीएस पीटीआई हम 7 दिन में ट्रेन करेंगे, वो आगे जाके स्कूलों में बच्चों को योग शिक्षा के बारे में बताएंगे, ट्रेन करेंगे। इस शिक्षा के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूलों में व्यवस्था इसकी होगी।